सर अपनी R15 जो खड़ी है इसमें की बैटरी हो चुकी है पूरी डेड, तो आज इसकी बैटरी को बाहर निकालेंगे और उसके बाद ले चलेंगे और देखते हैं कहीं ले नहीं जाएंगे भाई। बैटरी निकाल के नई बैटरी खरीद के अपने हाथ से इंस्टॉल करेंगे। तो आज की वीडियो होने वाला है हाउ टू रिमूव बैटरी या हाउ टू चेंज बैटरी। तो पहले इसकी बैटरी निकालते हैं। मतलब भैया कैमरा मैन फ़ोन पकड़ गया हमारा, उसके बाद देखते हैं बैटरी कहाँ से निकलती है इसकी। तो उसमें भाई इधर से निकल आया, कोई काम नहीं। बैटरी निकालने के लिए इसका पूरा पीछे का पोर्शन खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए यार हम लोग मदद लेंगे उसमें मिलने वाले टूल्स की। क्या निकले कहाँ से यार ये पीछे कब कंपार्टमेंट भाई हमें खुलना चाहिए आई थिंक। तो सबसे पहले इन दोनों नट्स को रिमूव करना पड़ेगा। वह भाई टूल्स के नाम पर R15 में सिर्फ एक एलन की और भाई एक पेचकस देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। भाई KTM में भाई झौआ भर के देते हैं, मतलब इतना पूरा वेंडर रहता है। धरने की भले जगह ना हो गाड़ी में, मगर टूल्स आपको सारे देंगे। तो पहले दोनों नट को रिमूव करते हैं यार। बोल तो चीं चीं की आवाज़ आ रही है भाई। ये हो गया हमारा रिमूव और ये भाई ये अंदर कैसे बोलते हैं भाई, मतलब सबसे कॉम्प्लिकेटेड समझते थे इसको हमने। बस खुल गया उस दिन, हमने तो सबसे पहली बार खोल रहे थे भाई। प्लास पेस्ट कैस ले के पूरा जुटे पड़े, तो यूट्यूब में देखा एक बार तब समझ में आया। तो भाई ये देखिए हमारे बैक सीट हो चुकी है रिमूव। तो कुछ ऐसा हाल है हमारी सीट का यार। ये कवर जो बंधा हुआ है कंपनी से जो लिया था हम लोगों ने, तो उसकी फिटिंग यार अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई, बिल्कुल ही फिट हो चुकी है। तो भाई ये वीडियो सीट कवर का नहीं था, ये वीडियो था भाई हमारे बैटरी का। तो बैटरी का हाल दे सकते हैं यार, मतलब इतनी छोटी सी बैटरी लगी है, जगह इतनी सारी दी गई है। तो इसको हटाते हैं और बैटरी को निकालते हैं पहले। तो चलो भैया खोलते हैं अपनी बैटरी को, जो कि इससे खुलेगी नहीं है। हम लोग को घर से प्लास लेके आना पड़ेगा, तो पहले प्लास लेके आते हैं फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। भागो 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 अगर भागो। तो हमारे पास आ चुका है भाई अपना प्लास, मतलब प्लास प्लायर जो भी बोलो यार, कितनी आराम से खुल रहा भाई। निकल रहा यार, क्या नौटंकी कर दिया। जा रहा निकल रहा क्या हो जाता है इन लोग को, तो देखो धरते हैं। हाँ थोड़ा जगह बनाओ, सही टूल्स नहीं होते तो ऐसे ही होता है। तो भाई पूरे आधे घंटे की मेहनत के बाद ये बुल्ड खुला भाई। फोकस करो कैमरा मैन जरा, कहाँ यार ये देखिए क्या हाल हो गया भाई बुल्ड का खोल खोल के। और हम लोग की भी हालत हो चुकी भाई पूरी तरीके से ख़राब। तो चलिए भाई इसमें एक्साइड की बैटरी पड़ी हुई है, तो देखते हैं कौन सी कंपनी की बैटरी मिलती है यार हम लोग को वहाँ पर। तो काफ़ी वेट है यार, लगभग 1.5 से 2 किलो का लगभग वेट होगा इसमें, 2 किलो के ऊपर ही है। तो चलिए चलते हैं सीधा मार्केट और ख़रीद के लाते हैं एक बैटरी, फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अरे वो रखी अच्छी खासी धूप, हम लोग बैटरी लेकर टहलने वाला इधर उधर। रिचार्ज इफ ओपन सर्किट वोल्टेज इज लेस देन 12.4 वोल्ट, मतलब इसको रिचार्ज भी कर सकते हैं भाई। नॉन स्लिपेबल सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी भाई। तो चलिए भैया इसको रिचार्ज करके अपनी स्लीड ऑन में लगा देंगे भैया, लाल से हरा का होगा। हो जा रहा भाई हो जा। तो यार हमारी बैटरी आ चुकी है Amron Pro की, तो इसमें यार 2 साल की वारंटी मिली है। तो बंसल वाली दुकान से ली भाई, अपने फेमस दुकान है अपने यार यशोदा नगर की। आपको कोई पार्ट लेना हो, कुछ भी लेना हो, चाहे स्पॉकेट बैटरी वैटरी सब मिल जाएगा भाई। तो चलिए अपनी बाइक के पास चलते हैं और इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाते हैं।
तो फाइनली हमारी बैटरी आ चुकी है, आ गया चुकी भाई। हम लोग लेके आए उसको, तो उसको बाहर निकालते हैं क्या क्या है इसके अंदर। यार तो भाई वेट काफ़ी इस बैटरी में भी है। तो ये नट बोल्ट मिल गया हम लोग को, जो हम लोगों ने ख़राब कर दिए थे पिछली बैटरी के अपने। अरे वारंटी कार्ड मिल गया भाई 2 साल का हम लोग को। इस महीने में 48 मंथ की वारंटी है। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं अपनी R15 में इसको। तो चलिए भैया इंस्टॉल करते हैं अपनी बैटरी को यहाँ पर। पहले देख लें बैटरी चल भी रही है कि नहीं। कुछ होगा ना इसमें तो कुछ हुई नहीं। हाँ ये भाई पावर आया हमारी बैटरी से, इसमें बैटरी चार्ज है मतलब। ये कुछ इस टाइप के नट बोल्ट मिले हम लोग को। अंदर कहाँ से जाएंगे, इधर से अंदर जाएंगे। तो इसी तरीके से सेम है यार इसमें जो ये है, तो इसको कुछ इस तरीके से उसके अंदर इंस्टॉल करना है। हो गया भाई चला जाएंगे। और स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना। तो बस हमारी बैटरी इंस्टॉल हो चुकी है। तो इसमें साथ में ये मिलती है R1 की, याद हो ब्रांडिंग देख सकते हैं, दिख नहीं रही क्या। फोकस करो कैमरामैन, फोकस ही ख़राब हो गया लगता भाई। नहीं होगा क्या भाई फोकस। ये देखिए R1 की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो यार ये सेफ्टी के लिए होती है कि आपकी बैटरी ज़्यादा हिले डुले ना इधर। तो इसको सबसे आसान तरीका है, इसको यहाँ पर एक खांचे में फंसाना है इस तरीके से, और खींच करके दूसरे वाले में फंसा देना है। कुछ इस तरीके से हमें ये प्रोसेस करना है, जिससे कि यार बैटरी हमारी हिलेगी नहीं इधर उधर। तो चलिए बंद करते हैं अपने बैटरी कंपार्टमेंट को। सीट को भाई यहाँ पर अपनी जगह पर फिट कर देते हैं। तो इन नट को भाई लगाने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। इसको ऊपर ले जाइए, बस लग गया इस तरीके से कुछ। ये तो हमारे भाई बेकार ही हो चुके हैं। इस बोल्ट को टाइट करना अच्छे से, नहीं तो भाई सीट ऊपर नीचे हिलेगी पूरी।
मिलते हैं भैया के पास दो ही टूल्स। स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक को एक बार, तो बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है 12.1, तो बैटरी को थोड़ा सा चार्ज करने जाने देता है। 13.8 हो चुकी है इस टाइम बैटरी हमारी। फ्लैशर चला के देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सब कुछ काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है इस टाइम। सब कुछ हमारी बाइक में पूरा हो चुका है कंप्लीट, और ये वाली बैटरी तो भाई सीरी डाउन में लगा देंगे। सारे इंडिकेटर सब चल रहे हैं हमारी बाइक के। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड।